बंद हो गया कि हाँ नहीं, चल रही थी, सब हो रहा था, पानी भी निकाल हाँ रही थी, बस कपड़ा सुखाते नहीं थे। जी, कपड़ा सुखाते नहीं थे। अभी ये 3-4 दिन से ही ऐसी दिक्कत हुई। जैसे कंप्लेन रही की हूँ कि 1-2 दिन पहले से। हाँ जैसे कि दोस्तों ये हमारी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर जो है कपड़े जी, सूख नहीं रहे हैं, इसके हाँ वॉशिंग मशीन के अंदर पानी नहीं आ रहा, जैसे कि आप देख रहे हो इसके डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट जो है ये जमा हुए हैं और पानी आएगा तभी डिटर्जेंट मिक्स होकर अंदर ड्रम के अंदर जाएंगे। तो अभी हमने इसको सबसे पहले वॉशिंग मशीन के बैक पैनल को ओपन करेंगे और बैक पैनल को ओपन करने के बाद जो है इसमें जो दिक्कत है उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम्स है ये क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही, जो हमारा अंदर का जो है पल्थेटर जो है रोटेट भी नहीं हो रहा है, जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं, मोटर हो गया, हार्नेस हो गई, ये सारी चीज़ें। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग बैक पैनल को ओपन करेंगे और जो इसके हार्नेस है उस हार्नेस को चेक करेंगे, जो चूँकि इसमें जो प्रॉब्लम शो हो रहा है वो एक तो पानी जा नहीं रहा है, पानी ना जाने का रीज़न क्या है कि इसमें इनलेट वाल्व तो हमारा प्रॉपर सही है जो कि हमने पहले टाइम पे देखा था। तो इसके लिए अभी हम लोग इस पैनल को ओपन करेंगे जो मेन कंट्रोल पैनल है, जो कि वॉशिंग मशीन के सारे फंक्शनल पार्ट्स को ऑपरेट किया जाता है इस मेन पीसीबी असेंबली के तहत। तो अभी इसमें सारी ये हार्नेस है और इस हार्नेस को पूरा हमें ट्रैक करना होगा कि कहाँ से क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो इसके लिए हम लोग नई हार्नेस भी अपने साथ लेके आए, चूँकि पहले विजिट में जो जिस आदमी ने विजिट किया था, जिस टेक्निकल पर्सन ने, उसने इसमें हार्नेस की रिक्वायरमेंट डाली थी। तो अभी हम लोग इसके साथ हार्नेस भी लेके आए और इसमें कहीं कहीं क्या है वायर के अंदर, जैसे हमारे जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के अंदर कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा, कॉपर के अंदर ऐसा ब्लैक कलर का इसके ऊपर कार्बन्स आ जाते हैं, जिससे जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। और एक आप वायर देख रहे हो, ये वायर जो कनेक्टर का वो भी इसमें निकला हुआ है और इसको अभी हम लोग कनेक्टर्स को सारा रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद नई हार्नेस इसके अंदर हम लोग डालेंगे। अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि जब अगर वॉशिंग मशीन में मल्टीपल एरर आ रहे हैं और उसके साथ साथ क्या है कई प्रोग्राम से जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका मेन जो रीजन्स होता है ज़्यादा से चांसेस में जो है वो हार्नेस ख़राब होती है। हार्नेस में क्या होता है, जो इसके कनेक्टर्स होते हैं उसमें कार्बन आ जाता है और उसके साथ साथ जो इसके अंदर कॉपर की वायर होती है उसके अंदर भी कार्बन आने की वजह से जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं रहती, तो मल्टीपल एरर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने इसके जो हार्नेस को जब ही निकालना है तो पहले हम लोग पीसीबी से हार्नेस को निकाल देंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि ये हमारा इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व के दो जो 220 वोल्टेज से ये हमारा इनलेट वाल्व ऑपरेटेड होता है, उसके साथ साथ एक तीसरा वायर जो हमारा अर्थिंग का लगा होता है और इसके साथ साथ ये सारी जो हार्नेस है उसको एक एक करके जैसे हम लोग निकालेंगे उसी तरह से इसको हम लोग फिक्स करते चले जाएंगे। अर्थिंग का वायर आपको प्रॉपर हमेशा लगाना है और ये कनेक्टर होता है जो हमारे मेन लीड को और पीसीबी के लिए जाने वाली सप्लाई को दोनों इस पॉइंट्स पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ की हार्नेस की कनेक्टिविटी हम लोग कर चुके हैं और करने के बाद जो है इस साइड से आप देख रहे हो कि हमारी वॉशिंग मशीन जो है अभी ये प्रॉपर इस साइड से हमने प्रॉपर फिक्स कर दिया। अभी जो हमें कनेक्ट करना है वो हमें बैक साइड की हार्नेस को कनेक्ट करना है। अभी यहाँ से सीधा जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो ये सारी चीज़ें हार्नेस जो है 1-to-1 करके हमें कनेक्ट कर देना, जैसे कि आपका इस प्लग वायर की वायर प्लायर के तहत हम लोग इसके कनेक्टर को जो इसमें टाई लगा रहता है उसको हमें कट करना है, उसके बाद जो है इसमें जो जो कनेक्टर्स हैं उस कनेक्टर को सेम टू सेम हमें कनेक्ट कर देना। ये तो हमारा ओल्ड वाली हार्नेस हो गई और इसके साथ जो नई वाली हार्नेस है उसको हम लोग नीचे लाने के बाद दो जो कनेक्टर्स हैं, एक हमारा कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को प्रॉपर निकाल देंगे, नए कैपेसिटर को भी इसमें डाल देंगे और सेम टाई के तहत हम इस वायर को उसी तरह फिक्स कर देंगे, क्योंकि अगर वायर इधर उधर रहेगा तो जब यह वॉशिंग मशीन ऑपरेट करेगी तो ये वायर जो है बार बार ड्रम से टच होगा, जिससे कि वायर जो है धीरे धीरे छिल जाता है, कट जाता है और बॉडी में करंट भी आना शुरू हो जाता है। तो जहाँ से कनेक्टर को आप कट करें वहाँ पे इसको उसी तरह से हमें लगा देना है और लगाने के बाद हमने इन सारी चीज कनेक्टर्स को जहाँ पे जहाँ से कनेक्टर हमें रिमूव करना उन कनेक्टर को उसी जगह पे फेस टू फेस, जैसे कि हमें यहाँ पे हमने ये हमारा अर्थिंग का फिक्स हो गया और यहाँ पे दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो हमने नया लगा देना है क्योंकि और ये हमारा जो ये वाला कनेक्टर है, ये हमारा जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमारी मेन मोटर असेंबली का जो कि हमारी 220 वोल्टेज से ऑपरेट होती है, इंडक्शन हमारी मोटर है, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज दोनों के लिए जो है ये क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज जो है ये रोटेट होता है वॉशिंग के सेक्शन के लिए और एक ही डायरेक्शन में हमारा जब भी एक ही डायरेक्शन में हमारा स्पिन करता है जो कपड़े को सुखाने की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने इसके और इसके पीछे जो तीसरा वाला कनेक्टर है वो हमारे ड्रेन मोटर असेंबली का है जो कि 220 वोल्टेज से ऑपरेट होती है, बाकी अभी कुछ ऐसी मोटर्स आ रही हैं जो हमारी 12 वोल्ट डीसी पे भी ऑपरेट होती हैं। तो बट ये कभी अगर आप ऐसा मोटर्स हैं तो उसको आपको चेक कर लेना कि कौन सी मोटर लगी हुई है। ये सारी चीज़ों को करने के बाद अभी हम लोग ये ड्रेन मोटर के कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।
जैसे कि दोस्तों हमने इसके ड्रेन मोटर के कनेक्टर को भी कनेक्ट कर दिया है, और बचा हुआ लास्ट में जो है हमारा ये कैपेसिटर है जो कि वॉश मोटर के लिए यहाँ पे है। तो कैपेसिटर को निकालने के लिए हम लोग कैपेसिटर के लिए यहाँ पे तो जो कनेक्टर्स होते हैं उस कनेक्टर को ओपन करेंगे तो हमारा कैपेसिटर पूरा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें कैपेसिटर को फिक्स कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे एक स्क्रूज लगाओ, इस स्क्रूज के हमें निकाल के इसके अंदर कैपेसिटर को फिक्स कर देना है। कनेक्टर को कनेक्ट करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर को उसी तरह से फिक्स कर देना है। जैसे कैपेसिटर में हमने दोनों कनेक्टर को फिक्स कर दिया, यहाँ से हम लोग इसको निकाल के सेम टू सेम जो है कैपेसिटर को इसके अंदर फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद जैसे कि आपने देखा कि हमें यहाँ पे फिक्स करने के बाद जो है हम लोग इसके बैक पैनल को जो है इस तरह से बंद कर देंगे। बैक पैनल को सीधा जैसे हमने रिमूव किया था उसी तरह से हम लोग बंद कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो इसका फाइनल मोमेंट है कि वॉशिंग मशीन को जो हमें टेस्ट करने की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ करके हम लोग वॉशिंग मशीन को टेस्ट कर लेंगे कि हमारी वॉशिंग मशीन की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है कि नहीं। तो जैसे कि हमें इसके बैक पैनल को ऐसे फिक्स कर देना है। बैक पैनल को फिक्स करने के बाद अभी जो समय आ गया हमारे वॉशिंग मशीन को टेस्ट करने के लिए, तो अभी हमने वॉशिंग मशीन को जो है वो कर देना है ऑन। अभी आपका स्पिन जो है वो चालू हो गया है। और ये आपका पानी आना भी शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलते रहेंगे।